तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सेड ऑन व्हील्स। जो कि सामान चाहिए हमें हुंडई योन से जाने के लिए विंटर एक्सपेडिशन के लिए, कहाँ जा रहे हैं आपको कल सुबह ही बताऊंगा, उठ के इसी ब्लॉग में ही बताऊंगा। ये रही एक इंजन बेल्ट, ये रही जंपर केबल, बाहर हूँ तो थोड़ा शोर आएगा, इग्नोर करिएगा। ये रही जंपर केबल, वो रही इंजन बेल्ट, ये रही पंचर किट, पंचर भरने की मशीन, ये अपना पेट्रोल भर सकते हैं इससे, ये टूल किट, ये रही आपकी जंपर केबल तो ये रही आपकी टोइंग केबल, और ये सब इस बैग में जाएगा। तो मिलते हैं सुबह, टाटा सी यू। ये रही कार खड़ी हुई जो जाएगी कल विंटर एक्सपीडिशन के लिए, तो मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं कल ही बताता हूँ आप लोग को, इन 3, 2, 1। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग सेट ऑन व्हील्स। और फाइनली आज है 1 नवंबर और हम लोग जा रहे हैं विंटर स्पीति एक्सपेडिशन के लिए, और कार ले जा रहे हैं हुंडई योन, 1000 cc की है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मुझे जल्दी निकलना है क्योंकि मेरे साथ अभिषेक जा रहा है जो अभी अयोध्या सीरीज वाराणसी सीरीज में गया था, और तुरंत निकलते हैं, टैंक फुल कराते हैं, उसके बाद चल रहे हैं, वो वेट कर रहा है और रास्ते में बाकी बातें करते हैं, ठीक है, चलिए। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, मैं पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, 200 मीटर पे ही है मेरे घर से। फुल कराते हैं टंकी और निकलते हैं, फुल कर दो, फुल पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल। तो ये रही कार अपनी, यही जा रही है अपने साथ, बहुत बड़ी कार नहीं है, छोटी सी कार है, यही पहुँचेगी स्पीति। तो आप लोग बने रहिएगा सारे व्लॉग्स में, और फिर बस अब सिंह को उठाते हैं, वो वेट कर रहा है काफ़ी देर से, उसकी 3 बजे शिफ्ट ओवर हो गई थी। ये रही अपनी धन्नो, बढ़िया सामान पूरा फुल लोड कर लिया है, जो जो चाहिए एसेंशियल्स की। मैं वीडियो इसी में आपने पीछे देख ली होगी, थोड़ी सी क्लिप मैंने डाली थी स्टार्टिंग में, कितने लीटर की है इसकी, मुझे लग रहा है 30-40 लीटर तो होनी चाहिए मिनिमम। तो पेट्रोल भर गया है, क्या आवाज आ रही है, एक राइट टायर से आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ चिपक गया होगा इसलिए आ रही है। अब मिलते हैं सीधा अभिषेक के घर पे। ओके बोर, अरे अरे वो गियर मारो सेकंड। अबे अभिषेक के घर, बहुत अंधेरा है भाई इस टाइम। चलो ये फुल हो गई है टंकी, तो फाइनली सिंह इज हियर। फ्लैश चुप रहा होगा आंखों में, थोड़ा सा। तो भाई चंडीगढ़ स्पीति एक्सपीडिशन स्टार्ट है, कैसा लग रहा है आपको आपकी गाड़ी से? वैसे मैं बताया नहीं, अभिषेक की गाड़ी है योन, तब से कल से योन योन कर रहा हूँ ये तो बता। 600 किलोमीटर बस यू चलना है सीधा सीधा। फाइनली एक्सप्रेस वे पे एंटर कर रहे हैं हम लोग, मेरे घर से एग्जैक्टली 30 किलोमीटर पर टोल है, इसके घर से थोड़ा दूर है ये। आओ सिंह चलाओ भाई, वहाँ टोल टोल क्रॉस कर ले फिर उसके बाद टोल ही नहीं है फिर 300 किलोमीटर तक। भाई एक्सप्रेस वे पे आगे फीलिंग ही अलग आती है भाई, एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें, अभी सनराइज दिखेगा इतना प्यारा ना, मेन तो सनराइज का है। हाँ यार साइड में कोहरा है। एक्सप्रेस वे पे आई है कभी कार? नहीं कभी नहीं। नहीं आई? ओहो इसका वो है डेब्यू। डेब्यू है इसका, न्यू कमर है। अभी सिंह चलाएगा भाई आज पहली बार एक्सप्रेस वे पे, खाली भाई एकदम खाली, एकदम खाली है टोल, पहली बार इतना खाली दिखा है, और फास्ट ट्रैक चल जाए भाई साहब। यूपी 32। अब जा रहा है अभिषेक कार चलाने। ये रही ये जो जाएगी गाड़ी स्पीति। बेटे खुशी देखिए भाई, अच्छा सा लग रहा है बाहर खड़े होके। चले उस साइड जाए, थोड़ा भाई को भी सिखाना जरूरी है, फिर भाई बार बार बाद में हेल्प भी करेगा। कार सीख लेगा तो फिर बाद में हेल्प भी मिलेगी ना अच्छी तरह चलानी। एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर सिंगी चलाएगा अपन।
सिंह फिर पहाड़ों में भी चलाएगा धीमे धीमे, अपन बाइक शूट करेगा है ना। हाँ, और लेफ्ट साइड है लेना, वैसे बीच में चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच में चलेंगे जैसा तुम बतायो भाई हमको। अबे यहाँ तो यार गियर ही गियर लगा तो कोई है ही नहीं सामने। अभी 80 पे चलाओ ऐसा लगेगा क्या चला रहे हैं धीमे धीमे। पीछे साइड मिरर्स ध्यान रखना हमेशा, तेरा एक्सपर्ट हो जाएगा धीरे धीरे चंडीगढ़ पहुँचा देगा। रुको फाइनली कितना चल गए हम लोग, 72 किलोमीटर चल गए हैं और टाइम हो रहा है 6:20। आज की हमारी डेस्टिनेशन है चंडीगढ़ का, और मैं आपको पूरी आइटनरी चलिए समझा देता हूँ। आज की हमारी डेस्टिनेशन चंडीगढ़ है, कल हम लोग निकलेंगे चंडीगढ़ से कल्पा के लिए, फिर उसके नेक्स्ट डे कल्पा से ताबो, ताबो से उसके नेक्स्ट डे ताबो से काजा, फिर काजा से बैक शिमला वाला ही रूट लेंगे क्योंकि विंटर्स में वो चंद्रतांद्रा में बर्फ़ पड़ चुकी है, वहाँ रूट बंद हो खुला हो कुछ पता नहीं हुआ। हमारी कार भी छोटी नीची कार है, वो रूट तो इस ईयन से नहीं हो सकता, बट हाँ ये शिमला वाला रूट ईयन से पॉसिबल है। और मेरा मोटिव बेसिकली यही है कि आप कोई भी गाड़ी ले कर जा सकते हैं स्पीति वैली, मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग छोटी गाड़ी से जा रहे हैं। तो आप लोग को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग बने रहिए, देखिए कैसे छोटी गाड़ी भी जा सकती है नहीं जा सकती, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी मैं सब बताऊंगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ छोटी गाड़ी लेके, और वैसे भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और अभी तो अभिषेक कार चला रहा है जिसका बहुत मन था, 90-100 पे चल रहे हैं अभी, जब स्पीड कम होती है तो 80 की, 100 से ऊपर नहीं जाएंगे देखो, क्योंकि 100 इज़ बेस्ट फॉर एनी कार, मतलब 100 पे चलाओ चाहे वो बड़ी सीसी की गाड़ी हो या छोटी, 100 ठीक है एवरेज अच्छा देती है कार। और यहाँ तो मिलेगा ही कुछ, करना नहीं है दबाए रहो एक्सीलेटर है ना, यहाँ तो कुछ नहीं मिल, यहाँ तो एवरेज मिलना ही मिलना है। और हाँ मैं इस रूट पे 3 बार जा चुका हूँ, 3-4 बार, मतलब यहाँ से चंडीगढ़ तक मेरे लिए रूट सेम है, उसके बाद नया मतलब स्टार्ट हो जाएगा मेरे लिए भी शिमला विमला साइड से पूरा, लाहौल स्पीति किन्नौर साइड में नहीं गया कभी, इधर मनाली साइड गया हूँ लद्दाख गया हूँ बट इस साइड नहीं गया। तो यहाँ से चंडीगढ़ तक सेम रूट है हाईवे, बाकी गाने आने सुनते हैं थोड़े। तो अभी हम लोग एयर स्ट्रिप पे आ गए, एयर स्ट्रिप बनी हुई है, मैं हर बार बताता हूँ जब भी इस हाईवे पे आता हूँ, तो यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं आप लोग किसी भी प्लेन की हेलीकॉप्टर से, सीधा सीधा उतर जाता है। यहाँ पे पूरा सीमेंटेड बना हुआ है इसीलिए फ्रिक्शन बहुत होती होगी इस पे, टायर बहुत घिसता है इस पे, तो बस यही बताना था। यहाँ से नीचे होके वो रेस्ट हाउस आ गया, वो देखिए सामने, हम लोग जा नहीं रहे क्योंकि हम लोग के पास साहब अभी है ही, अभी तो निकले घर से। ये गाना अच्छा है, आपने सुना है? So finally अभी ऐसे, अरे गाना चल रहा है। तो फाइनली अभी रुके थे वॉशरूम करने, मतलब कौन सा ब्रेक, पी ब्रेक, सब टी ब्रेक लेते हैं, उन्होंने पी ब्रेक लिया है। और पीछे सनराइज हो रहा है बहुत बढ़िया, ये देखिए। और कार अपनी, कार बढ़िया परफॉर्म कर रही है, दिखने में छोटी है बट सारा काम स्पीति यही जाएगी। भैया कुछ खा लें, भूख लग रही है, मम्मी ने पराठे दिए थे मेथी वेथी के, खुलेगा ही आज ये सामने हाईवे, यहाँ पराठे मजे यार, यही तो अच्छा लगता है यार ट्रैवलिंग में, यही सब चीज़ें बढ़िया लगती हैं। अभी अभिषेक चला रहा है इसको, मैं रोल वोल बना के दे देता हूँ, खा लेगा तो खा लेगा। अच्छा लोग खा के मिलते हैं, भूख लग रही है। फाई आ गया 100 किलोमीटर लखनऊ से आगरा, भैया सिंह ने टिका दिए पहली बार लाइफ में 300 किलोमीटर भाई, अचीवमेंट लगती भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। घर पे बताना वो व्लॉग देख लेंगे, ये व्लॉग दिखाने वाला है कंपलसरी व्लॉग, कंपलसरी व्लॉग। और वेस्टरूम निकलते हुए, और हम लोग नहीं रुक रहे हैं यहाँ पे भी, सामने आप लोग देख रहे हैं 2 इको स्पॉट वो रेस कर रहे हैं इधर उधर से, मूवी वाला पूरा सीन हो गया, बोले सामने कोई नूब चला रहा है मैं साइड से निकल लेता हूँ, दोनों अभी नहीं दोनों रेस ही कर रहे थे, बोल पता नहीं कहाँ निकल भी गए वो, हैं इको स्पॉट वाले दिख तो रहे हैं, आगे चले गए भाई, निकल गए अब बहुत दूर निकल गए,
अपनी रीत से बाहर हो गए वो। फाइनली एक्सप्रेस वे हम लोग पहुंच चुके हैं और इतना ज्यादा स्मॉग है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोगों को इसीलिए क्लियर दिख नहीं रहा होगा। और अभिषेक ने आगरा लगाई ली फाइनली लखनऊ, एक बार पहुंचा दे टोल के पास। फील लिया लड़के ने फास्टैग की। जो कनेक्टिंग टोल है आगरा और नोएडा के बीच में वो वाला आ गया, क्या नाम है इसका, आगरा विकास प्राधिकरण का हार्दिक स्वागत करता है। ओ भाई तुमने शायद बीच में रोक दिया, एकदम या साइड में रोकते, हाईवे पे रोक दिए हो। कैसा लग रहा है आपको इतनी गाड़ी चलाने के बाद, क्या स्टेटमेंट? बहुत गाड़ी चला ली भाई, बहुत थक गया। तो एक साल के लिए हो गई गाड़ी। एक साल के लिए। बैठो बैठो। अब भैया गाड़ी आ गई मेरे हाथों में दोबारा, अब चलते चंडीगढ़। झूठा जो पर्दे पावे नी, इन्ने पिछे लाए ते किन्ने।